गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्चुअली बारिश हुई थी। आज का आपको वेदर दिखाऊंगी कि बारिश में कैसा वेदर हो जाता है। चलिए आइए, देखिए कितना सुंदर व्यू है। ठंडी ठंडी हवा, ब्यूटीफुल व्यू, और भागती हुई मेरी किट्टी। देखिए ये ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग। सिर्फ माउंटेन्स है, बहुत ही सुंदर लगती है माउंटेन्स, और बारिश के बाद तो और भी सुंदर हो जाता है सब कुछ। मैंने सोचा आप थोड़ा देर बाहर निकला जाए। एक्चुअली नीचे देखना पड़ रहा है बिकॉज गीला है, और अगर गलती से भी पैर फिसल गया तो सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बेटर कि सामने देखो मैं, ठीक है। और आप लोगों को बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स की आवाज़ आती है इस टाइम। एक्चुअली अभी थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है। यहाँ पर रात बहुत ही जल्दी हो जाती है। और इवनिंग वॉक में तो मज़ा आ जाता है, और इस वेदर पे तो सच्ची में बहुत मज़ा आ जाता है। और छोटी छोटी जगह पे यहाँ पे पानी भर जाता है जब बारिश होती है। देखिए पानी बहता हुआ पानी। एक टाइम था जब यहाँ पे बहुत बहुत ही जंगल था, रोड्स वगैरह नहीं बनी हुई थी यहाँ पर। तब तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ ग्रीनरी थी, बट अब सड़क के चक्कर में ऐसा हुआ है कि जब सड़कें बनी हैं तो जो पेड़ वेड़ हैं वो काट दिए गए हैं। आपको वॉक और चिड़िया की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी रेदर देन मी, क्योंकि मैं कम ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपको साउंड सुनाना चाहती हूँ यहाँ की कि कैसे ही साउंड आती है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए ऐसे प्याऊ बने हुए हैं पानी के लिए, जहाँ से हम लोग ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। और मेरी किट्टी शिकार की तलाश में है कि उसे कुछ मिले, बट उसे कुछ नहीं मिल रहा है। ये भी इवनिंग वॉक में मेरे साथ आई है घूमने के लिए। आपको एक साउंड सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली इट्स अ बर्ड। अब बंद हो गई। देखिए सामने कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैठकर अगर मेडिटेशन की जाए ना तो बहुत ही अच्छा है।
मतलब शांति सी लगती है, सुकून सा होता है। आपको पानी की आवाज आ रही होगी, बर्ड्स की आवाज आ रही होगी। चलिए गाइस, अब मैं जाती हूँ घर, बिकॉज अब फिर से रेन स्टार्ट होने वाली है। इट्स बेटर है कि घर जाया जाए, बिकॉज अगेन नो अम्ब्रेला, और वॉक करने आ गई हूँ और ब्लॉग बनाने आ गई हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यूज़ आपको सेम सेम हर जगह मिलेंगे, सेम व्यूज़ मिलेंगे आपको। कुछ डिफरेंट ये होता है कि सिर्फ माउंटेन्स की डिफरेंस हो जाती है, ग्रीनरी की डिफरेंस हो जाती है। चलिए अब वापस चला जाए घर की तरफ। एट टाइम्स आप लोगों को भी लगता होगा कि यहाँ पर मैं सेम सेम चीज़ें ही आप लोगों को क्यों दिखाती हूँ, बिकॉज एक्चुअली सेम सेम चीज़ें ही यहाँ पर होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि थोड़े से पहाड़ इधर उधर दिखाई देंगे आपको, बट ग्रीनरी सेम हर जगह पे ऐसी ही होती है। यहाँ पर आप लोगों को पेड़ कम दिखाई देंगे, और अगर हम किसी और जगह चले जाएंगे तो वहाँ पे पेड़ ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है यहाँ पे, वैसे वैसे ही पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। मेरी चाची कुछ लोगों के लिए कुछ बोलना चाहती है। मेरी चाची ये बोलना चाहती है कि लोग वैसे तो बुराइयां करते ही करते हैं, मुंह में कुछ नहीं बोलते, मुंह के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, पीठ के पीछे 100 लोग 100 चीजें। तो लोग मेरी चाची बनाएगी। ओए चाची चलो बोलो। मैं नहीं बोल सकती कुछ नहीं यार। तो मेरी चाची बोलती मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, आप बोल सकते हैं सब कुछ। क्योंकि मेरा काम ही बड़बड़ करने का, अगर मैं बोलूंगी नहीं तो लोग देखेंगे नहीं, है ना। मैं आई थी तो मैंने सोचा चलो इनको अब वहां तक छोड़ा जाए, तब तक ब्लॉग भी बनाया जाए। तो मेरी चाची, मैं बड़बड़ बहुत करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, और क्या नाम है, मैं मेरी चाची भी बेचारी सोचती होंगी इतना बोलती है लड़की होती रहती है। तो ब्लॉग में मुझे बोलना पड़ता है, बिना बोले मैं ब्लॉग नहीं बना सकती। ठीक है गाइस, चाची को मैंने बाय बाय कर दिया, अब मैं बैक टू होम जा रही हूँ। देखिए आपको पिंक पिंक सा घर नजर आ रहा है, वो मेरा घर है, और उसके ऊपर एक और घर नजर आ रहा है, वो मेरे ताया जी का घर है, और ये चारों तरफ आप लोगों को सेब के बगीचे नजर आएंगे, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे सब लोग सेब की खेती करते हैं। सेब की खेती में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेब ही लगाते हैं, एट टाइम्स इसमें मटर भी लगाते हैं हम लोग, कई लोग आलू भी लगा लेते हैं। और आपको ये बॉटल्स भी नज़र आ रही होगी पेड़ों में, तो वो होती है पॉलिनेशन के लिए। ये देखिए,
गाइस थोड़ा फोन मेरा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो स्टिल नहीं है बट आप मैनेज कर लीजिए ऐसी। आ गए वापस हम अपने घर। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।